इतना नाम सुना था समन सरकार की दरगाह का, अभी वापसी में थर से सोचा यहाँ भी विज़िट करें। इतनी मशहूर ज़माना और इतने बड़े बुज़ुर्ग की दरगाह और उस सारी इमारत का हाल देख के यकीन मानो इतना अफसोस हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्या हालत है यहाँ की, अल्लाह माफ़ करे, पीने को पानी तक नहीं है। और ये देखें इमारत की हालत, अल्लाह अकबर, ये देखिए जी। और यहाँ के लोग इस दरगाह के नाम पे लाखों रुपया कमाते होंगे, कई लोगों की रोज़ी का ज़रिया ये दरगाह होगी, वो बैठे होंगे और खा रहे होंगे यहाँ के चंदे, यहाँ के पैसे। नमाज़ पढ़नी थी हमें, सोचा दरगाह की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, यकीन मानो हम इस तंजा का क्या बताऊँ, पानी बिल्कुल नहीं, वज़ू खाना खुश्क, ऐसी गैर आबाद वीरान मस्जिद और दरगाह की हालतों में बता ही नहीं सकता। जब मस्जिदों वीरान हो वो इलाका क्या आबाद होगा। ये जनाब आपकी समन सरकार की दरगाह है। बंदा मिला कहा कि मैं तो औकाफ़ का मुलाजिम हूँ, पहले अब्दुल्ला शाह गाजी पे था, अब यहाँ आया हूँ, मेरी शिफ्ट ट्रांसफ़र हुआ है। मुझसे पहले जो यहाँ लोग थे वो मेरी जलन में यहाँ की सारी चीज़ें लेके चले गए, कुछ भी नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है। मैंने कहा आपका क़याम कहाँ होता है, का पीछे कमरा दिया हुआ है लेकिन बिल्कुल रहने के लायक नहीं है, बस यहीं सहन में मच्छरदानी लगा के सो जाता हूँ। ये देखिए जी तस्वीर दरगाह की, ये हज़रत समन सरकार और उनका मुर्गा, कितने नेक बुरगजीदा बुज़ुर्ग और उनकी दरगाह की इमारत का हाल आप यहाँ देखें। कितनी बड़ी जगह है,